आज हम बनाएंगे चोको कैरमल डालगोना कॉफ़ी। और ये मैंने नॉर्मल डालगोना कॉफ़ी में काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन करके इसको स्वीट और थोड़ा सॉल्टी टेस्ट दिया है और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। बिगनिंग का प्रोसीजर सिमिलर है। मैंने इसमें 2 चम्मच कॉफ़ी डाली है, 3 चम्मच शुगर डाला है। आपको बटर चाहिए तो आप 2 ही चम्मच डालिए। इसमें डालेंगे 2 चम्मच वार्म वाटर और उसके बाद हमें बीच में भी थोड़ा सा 1-2 चम्मच वार्म वाटर डालेगा। अब हमें विस्क या चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स करना है। 2 या 3 मिनट के बाद आपको फ्रॉथ दिखने लग जाएगा। मैंने इसमें डाला है गरम के दूध के ऊपर जो क्रीम आता है वो 1 टेबलस्पून डाला है। इससे तो बिटरनेस रहता है वो थोड़ा सा कम होता है और फ्रॉथ और अच्छा बन जाता है। यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे थिक होना चाहिए, इसकी वजह से फ्लोट होगा। 2 से 3 आइस क्यूब्स लगेंगे हमें। कैरमल सिरप के लिए मैंने छोटा सा पीस 5 स्टार का डाला है। 4 से 5 चम्मच दूध में हम इसे हीट अप कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पीनट बटर डालेंगे। आप पीनट बटर स्किप भी कर सकते हैं, पीनट बटर से उसको स्लाइट सॉल्टी टेस्ट आएगा। 1 कप ठंडे दूध में 1 ओरियो डालकर थोड़ा सा शक्कर डालकर मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं चोको कैरमल डालगोना कॉफी। तो हम अभी पहले ग्लास में वो कैरमल सिरप जो बनाया है वो हम अच्छे से डाल देंगे। 2-3 आइस क्यूब्स डालेंगे, ठंडा ओरियो शेक डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉफ़ी का फ्रॉथ। अगर आपको बिटर चाहिए तो 3 चम्मच डालिए। फ्रॉथ बनाते समय आप इसमें थोड़ा सा पीनट बटर भी डाल सकते हैं या फिर कोको भी डाल सकते हैं चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे वैनिला आइसक्रीम भी। मैंने 1 ओरियो डाला है और आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा कैडबरी डाल सकते हो या फिर जेम्स डाल सकते हो डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए। तो बिल्कुल रेडी है हमारी चोको कैरमल डालगोना कॉफ़ी। स्लाइटली सॉल्टी है बिकॉज हमने पीनट बटर डाला है और कैरमल का टेस्ट स्लाइटली स्वीट है और कॉफ़ी का भी टेस्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए।